नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बाइक अड्डा 23 पर। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं एल्टीग्रेड टीचर्स न्यूज टुडे, यूपी में पहुंचा मानसून, पीसीएस भर्ती न्यूज टुडे, एसएससी सीजीएल भर्ती न्यूज टुडे। जानिए सब कुछ इस वीडियो में, शुरू से लेकर अंत तक देखिए। पीसीएस मेंस के लिए 3 माह बाकी, प्री के रिजल्ट का इंतजार, कम समय में बदले हुए पाठ्यक्रम की तैयारी करना चुनौतीपूर्ण। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी पीएससी के कैलेंडर में सम्मिलित राज्य पावर अधीनस्थ सेवा पीसीएस 2000 की मुख्य परीक्षा 23 सितंबर से प्रस्तावित है और आयोग ने अब तक प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया है। परिणाम में देरी से अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा की तरह बापू बनने की कतार में 32 लाख बेरोजगार। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की सबसे प्रमुख भर्तियों में से एक कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल सीएचएसएल एग्जाम 23 के लिए देश भर के 32,17,000 बेरोजगारों ने आवेदन किया है। केंद्र सरकार में बाबू बनने के लिए 2021 की तुलना में पिछले 2 साल से कम आवेदन हो रहे हैं। 2021 में 38 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन 2021 की तुलना में 2 साल से कम हुए आवेदन। कर्मचारी चयन आयोग ने आरटीआई में दी सूचना, देश भर से 32,17,000 अभ्यर्थियों ने भरे फॉर्म और पदों की संख्या कम होने से घटे। यूपी पहुंचा मानसून, 27 तक बारिश का सिलसिला, अब मौसम की ओर सटीक। पश्चिमी मानसून अपने सामान्य निर्धारित समय चक्र से 5 दिन की लेट लतीफी के साथ आखिरकार गुरुवार को उत्तर प्रदेश पहुँच गया। पिछले साल प्रदेश में 1 जुलाई को मानसून पहुँचा था। गोरखपुर सहित आसपास के इलाकों में घने बादल छाए हुए हैं। वैसे राज्य में गोरखपुर के रास्ते मानसून के दाखिल होने की सामान्य तारीख 18। एल्टीग्रेड टीचर्स भर्ती 2018 की वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति की सूची पर कार्य चल रहा है। अभ्यर्थन वापसी के फार्मों की छटनी के बाद अब नई सूची तैयार की जा रही है। उसके अनुरूप ही एल्टीग्रेड 2018 के अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया। ओके साथियों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।